कदवा थाना क्षेत्र के सागर रथ पंचायत से एक जमीनी विवाद का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने आवेदन देकर नवनिर्वाचित मुखिया राजेश कुमार लाल पर जान से मारने एवं घर तोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिए आवेदन में पीड़ित जगदीश प्रसाद झा ने कहा कि मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन, जिसका खाता 423 खेसरा 1775 रकवा 39 पर उपेंद्र साने फर्जी केवल तथा फर्जी दाखिल खारिज करवाकर मेरे जमीन पर मेरा घर तोड़ने का साजिश कर रहा है। और आवेदन में कहा कि गत दिनांक 23/12/2021 को उपेंद्र शाह एवं उनके पुत्र संजय शाह तथा दीन बंधु शाह 77 सागर रथ पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया राजेश कुमार लाल द्वारा मेरा घर तोड़ने एवं जान से मारने की धमकी दिया गया है, जिसको लेकर आवेदन देकर प्रशासन ने पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाया है। जी, क्या नाम हो आपका? जगदीश प्रसाद साह, पिता स्वर्गीय सुनाई लाल साह, ग्राम सागरा थाना कदवा जिला कटिहार का मैं रहने वाला हूँ। क्या मामला क्या है? मामला है जमीनी विवाद। जमीन मैं जमींदार से भी खरीदा हूँ, जमींदार से खरीदा हूँ। मेरा कहना है कि जो जमीन का मैं खरीदा हूँ उसका खाता 423 खेसरा 1775 रकवा 39 डिसमिल है। टोटल जमीन मेरी दखल कब्जे में है और 2012-13 से मेरा दखल कब्जे में है और वही जमीन उपेंद्र शाह पिता स्वर्गीय नेवी ग्राम सागरा थाना करवा जिला कटिहार कराने वाला है। उन्होंने कहा किया कि मेरे जमीन पर 2012 में बटेदारी करता है, 13 में जा करता 1984 में खरीदे, फिर जाकर केवला ले लेता है, कभी कहता है श्यामला सर खरीदे, कभी उसका बेटा केवला ले लेता है, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट करता है। मेरा दाखिल खारिज पहले हुआ, कुछ हुआ कुछ बाकी है जो अपील में ADM साहब के यहाँ है। और उसके बाद वह भी कहा किया कि मेरा जमीन पर दोबारा दखल खारिज करवा लिया CO कर्मचारी, एक ही जमीन को दो बार दाखिल खारिज कर दिया, यानी फर्जी के वाला फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर के मेरा घर उसमें बना हुआ है, जो कि उपेंद्र था उसका दो बेटा संजय और दिलबंधु तोड़ने के लिए उतावला है, अब उसका साथ दे रहा है राजेश कुमार लाल। कौन है राजेश कुमार? राजेश कुमार लाल सागरत के मुखिया बीच में जीते हैं, वो धमकी दिए हैं कल 13/12, कल 13/12/21 था जो धमकी दिए हैं, कल दिया है, कल दिया है 23/12/21 में धमकी दिए हैं कि पार्टी लेकर के हम आएंगे और तुम्हारा घर तोड़ देंगे और तुम्हारा हत्या भी करवा देंगे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैं ADM साहब से हो इसके विषय में पहले SP साहब को भी आवेदन दिए थे कई बार जमीनी विवाद का, उसके बाद थाना पर भी दिए, कल CO साहब को भी दिए हैं हत्या के विषय में। तो मेरा कहना है कि DM साहब जिला के मालिक हैं, उन्होंने दोनों पार्टी को बुला ले और दोनों का पेपर देख ले, अगर वह पेपर से अगर मैं हकदार हूँ तो ठीक है, अगर नहीं हकदार मैं हूँ तो हमको उस जमीन से वंचित कर जाए, मैंने कर दिया जाए। और यही मैं अंतिम कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग दमंग आदमी है और हम तो एक सीधा साधा है, रिटायर किए हैं पुलिस से, ये फरवरी में जो कि अभी तक पेंशन भी नहीं बना है, इसी तरह रोजी रोटी चल रहा है, वो हमको दबाते जा रहा है, 10 साल से दबाते जा रहा है।